हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो, हाँ रवि भैया। हाँ भैया, मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, 10। हाँ पूरे 10 लाख हैं भैया। आप प्लीज उन लोगों से माफी मांग लेना ना मेरी तरफ से। आप बस उन्हें 10 मिनट रोक के रखिए, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। ओके भैया, बाय। सर से बात कर लीजिए, चलिए। सर, प्लीज प्लीज सर, सर सही है रवि, इनके भाई गायब हो गए। सर प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। सर मेरा छोटा भाई, सर प्लीज ढूंढ दीजिए सर, प्लीज प्लीज जीवन को ढूंढिए सर, प्लीज। हाँ लेकिन आप बात क्या है वो तो बताइए, बैठिए पहले सर, बैठिए। हाँ बताइए। सर मेरा भाई जीवन बैंक से 10 लाख रुपए निकालने गया था सर। सर मेरा क्लाइंट मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था सर। सर जीवन ने बैंक से पैसे निकाल कर मुझे फोन किया कि वो 10 मिनट में आ रहा है सर, कि मैं क्लाइंट को जाने ना दूं। लेकिन सर अब तो 2.5 घंटे हो गए हैं सर, वो अभी तक नहीं आया है सर। 2.5 घंटे? हाँ सर, मैंने उसको मोबाइल पे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की सर, लेकिन सर उसका मोबाइल भी ऑफ है सर। पानी पीजिए। आपको यकीन है वो कहीं और नहीं गया? नहीं नहीं सर, जीवन को पता था कि पार्टी उसी का इंतजार कर रही है, हमें पेमेंट करनी थी सर। सर बाद में मैं बैंक तक का रास्ता भी देख कर आया कि कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो गया, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे जीवन को। उसके पास 10 लाख रुपये हैं। एक काम कीजिए, आपकी कार कौन सी है, क्या रंग क्या है उसका? सफेद एस्टीम है सर। सफेद एस्टीम। अच्छा, आप बैंक का एड्रेस और टेलीफोन नंबर इन्हें दीजिए। हाँ। और आशा सर, अभिजीत और दया को कांटेक्ट करो। यस सर। दया वो व्हाइट एस्टीम यहाँ पर खड़ी थी। जीवन यहाँ से गायब हुआ है। अच्छा, मैंने आसपास लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं, कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। बैंक में पूछा तो बताने लगे कि जीवन तो 11:15 बजे बैंक से निकल गया था, और अगर गाड़ी इस तरफ खड़ी थी तो इसी तरफ गई होगी। किस तरफ? इस तरफ। लेट्स गो। मैं एसपी साहब को फोन करता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, ओ किसी ने कुछ नहीं देखा। हाँ ठीक है, वैसे मुंबई में किसके पास वक्त है ये सब देखने का। हाँ मैं सभी वायरलेस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। हेलो कंट्रोल रूम, एक वाइट स्टीम कार नंबर ZMT 1943, एक लड़का उम्र 27 साल, क्लीन शेव, मरून चेक शर्ट, बादामी पैंट और स्टील फ्रेम का चश्मा लगाए हुए, कद 5 फीट 6 इंच, 10 लाख रुपए के साथ लापता है, खबर मिलते ही हेडक्वार्टर इन्फॉर्म करें। हेलो कंट्रोल रूम, एक वाइट स्टीम कहाँ पर? हाँ मंगलदास रोड। हाँ मंगलदास रोड, किरानगर बस स्टॉप से पहले। ओके, आदमी जिंदा है ना? गुड, फॉरन एम्बुलेंस बुलाओ। इंस्पेक्टर सर, जब हम यहाँ पहुंचे तो एक गाड़ी इसी हालत में मिली, लड़का बेहोश था और वो पैसों से भरा सूटकेस भी हमें नहीं मिला सर। ग्लासेस सर, क्लोरोफॉर्म है सर। क्लोरोफॉर्म?
हाँ डॉक्टर साहब, कैसी हालत है इसकी? कोई ज्यादा खराब नहीं है, इसको क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर दिया गया था। देखिए इसकी नाक के आसपास कुछ जलने के निशान है। इनसे बात कर सकता हूँ मैं? कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये होश में है। अच्छा, जीवन ठीक हो? मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ था? मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, एक आदमी ने दूसरी तरफ से शीशा खटखटाया। मुझे लगा वो कुछ पूछना चाहता है। मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आके बैठ गया। उसके हाथ में पिस्टल थी। मैं डर गया, मैं चिल्लाया, उसने मोबाइल छीन के बंद कर दिया। यहाँ तो कुछ नहीं। मेरा चश्मा टूट गया। उसने कहा गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाकर हम लोग यहाँ पहुँच गए। उसने कार यहीं क्यों रोकी? कमरे में कुछ, यहाँ जरूर कुछ हुआ होगा। मैं बेहोश हो गया। आपने कोई और गाड़ी देखी? बेहोशी में बीड़िया, एक गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनी। लगता है यहाँ कोई किसी का बहुत देर तक इंतजार कर रहा होगा। देखो कितनी सारी बीड़ियां पी गया। हो ना हो वो इसी कार का इंतजार कर रहा होगा। सर, आते हैं। ये देखिए सर, कितने सारे बीड़ी के बट्स यहां मिले सर। लगता है यहां कोई इंतजार कर रहा था इस गाड़ी का। आशा सर, हेडक्वार्टर इन्फॉर्म करो, टीवी और रेडियो में अनाउंसमेंट करवाने का इंतजाम करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो यहाँ पर। देखो उसकी आंखें ऐसी थी। नहीं, वो पहले वाला दिखाइए। नहीं, वो दूसरा। ये भैया, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया ध्यान से देखो। अच्छा इसमें से कोई है? ये देखो, ये ऐसे। वो पहले वाला सोच के बताओ। ये क्या पता सर, वो ऐसा। हाँ दया, आइडेंटिटी रेडी है? सर देखिए सर, क्या बनवाया, एकदम कंफ्यूज है सर, कुछ ठीक से बता नहीं पा रहा। कभी कहता है ऐसा दिखता है, कभी कहता है वैसा दिखता है। कोई बात नहीं दया, आम आदमी हमारे जैसा ट्रेंड नहीं होता। Give some time, आराम से सोचने दो, सब याद आएगा। वैसे हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस आदमी ने इस पर पिस्टल तान रखी थी। साहब, मैं बिल्कुल डर गया था। उस आदमी ने मुझे हाथ से मारा तो मेरा तो चश्मा ही टूट गया। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा मेरी तरफ मत देखना। मैंने तो इधर उधर देखा ही नहीं, मुझे डर था वो मुझे जान से मार देगा। साहब मैं सीधा सड़क की तरफ देखता रहा। मैं बहुत डर गया था साहब, मैं बहुत डरपोक हूँ साहब, बहुत डरपोक। देखो तुम डरपोक नहीं हो, तुमने जो भी किया है सही किया है। हीरो बनने से बेहतर है अपनी जान बचाना। डोंट वरी। हाँ अभी सर, हमें बस इतना पता है कि ये काम दो आदमियों का है। अच्छा, पहला जीवन को गाड़ी में हाईजैक करके मंगलदास रोड ले गया। हाँ। और दूसरा वहां उसका इंतजार कर रहा था। सर दूसरा आदमी जिस जगह पे खड़ा था वहां से हमें टाइगर ब्रांड बीड़ी के बहुत सारे टुकड़े मिले सर। अच्छा सर, पहले वाले ने जीवन को क्लोरोफॉर्म सुंघाया और उसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। सर ये है मिस्टर मिस्त्री। नमस्ते। ये 11:05 पर मंगलदास रोड से गुजरे थे। अच्छा। हाँ सर, मैं वहाँ निर्मल टेक्सटाइल में काम करता हूँ। वहीं उसी रास्ते पर आ गए। आपने वहाँ क्या देखा? सर एक गाड़ी खड़ी थी सफेद, और एक आदमी बोनेट खोल के नीचे कुछ कर रहा था। फिर तो मैंने सोचा उसका मदद करूँ। मैंने उसके पास जाके कहा कुछ मदद चाहिए। साहब वो बहुत ही बदतमीज निकला साहब। वो मुझे क्या कहे मालूम है? अपने काम से काम रख। अरे साहब ऐसे उसके जवाब से मैं तो बहुत चुका रह गया। आपकी रेडियो पर अपील सुनी तो आपको बताने चला आया। अच्छा, क्या आप हमें उस आदमी के बारे में बता सकते हो? उस कार के बारे में कुछ बता सकते हो? सर कार सफेद थी, फियाट। सफेद फियाट।
सर मैं कंप्यूटर में चेक करता हूँ। चेक करो। और आदमी 23-24 साल का लगता था, सब आदमी बीड़ी पीता था। बीड़ी पी रहा था? बीड़ी पी रहा था। कैसे? ऐसा नहीं, ऐसे। और साहब दिखने में वो गाड़ी का मालिक तो लगता ही नहीं था, ड्राइवर ही होगा। अच्छा, आप इस आदमी का ड्राइंग बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं? कोशिश जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बारीकी से उसको देखा नहीं मैंने। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। आइए। सर कल और आज चोरी की गई व्हाइट फिएट की रिकॉर्ड है सर। अपराधी ऐसे कामों के लिए चुराई हुई गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिला है क्या दया? जी सर, ये देखिए, आज सुबह केटर रोड से एक सफेद कार फिएट कार से चोरी हो गई थी। और एक अजीब बात है सर, ये देखिए, 2 बजे वो कार बल्लभ रोड पे मिल भी जाती है, सुनसान जगह है। फिर तो ये गाड़ी अब तक वहां पहुंच भी गई होगी स्टोलन कार डिवीजन में। चलो वहां चलते हैं। सर, गाड़ी किसी मिसेस धुमाल की है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें सुबह 9:30 बजे पता चला कि उनकी कार गायब हो गई है। मतलब गाड़ी की चोरी होते हुए किसी ने देखा नहीं है। सोसाइटी का वॉचमैन कहाँ था? वॉचमैन छुट्टी पर था सर। अच्छा। पुलिस को ये गाड़ी 2 बजे वल्लभ रोड पर मिली। सर आदया, सर ये देखिए ड्राइवर सीट के नीचे। ये तो वैसा ही बीड़ी का टुकड़ा है जैसे मंगलदास रोड पर मिले थे। सर लगता है वो लोग इसी गाड़ी में बैठकर मंगलदास रोड से भागे और बल्लभ रोड पर ही गाड़ी छोड़ दी। प्लान तो अच्छा बनाया था उन लोगों ने। वैसे वल्लभदास रोड तो सुनसान होता है, विटनेस मिलना भी मुश्किल है। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स लिए? बस सर, अभी लेने ही वाले थे। हाँ ले लो। फ्रेडरिक्स वो किट निकालना अपना। ये क्या है, कहीं खून तो नहीं है? अंदर से है सब। दया सर, दया इसका स्वाब ले लो और डॉक्टर सोलंकी के पास भेज दो। अभिजीत वापस चलते हैं, लगता है डॉक्टर की इनिंग खत्म हो गई। बरसों से मुर्दों के साथ बातें करते करते इसका दिमाग फाइनली सटक गया। दया, समझ में नहीं आ रहा सर, अचानक क्या हो गया? नहीं, तुमने कुछ किया तो नहीं? नहीं सर। कोई जोक मारा? नहीं सर। मैं सर से क्या बोल सकता हूँ, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये खून के सैंपल्स देखिए तो। आप लोगों को हर जगह खून ही दिखाई देता। खून मिला तो खून ही कहेंगे ना सर। मेरे बच्चे, ये खून नहीं है। खून नहीं? जी। फिर क्या है? ये पान है, पान के छींटे जो सूख करके खून जैसे दिखाई देते हैं। ओ, ये पान के छींटे? जी सर। ये हमें कार के आगे पैसेंजर के साइड वाले शीशे पे मिला था। इसका मतलब जो आदमी आगे की सीट पे बैठा था उसने चलती गाड़ी से बाहर थूका होगा, तो कुछ छींटे अंदर की साइड भी आ गई होंगी। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर या मिसेस धुमाल पान खाते हो? नहीं सर, मुझे नहीं लगता उन दोनों में से कोई पान खाता हो। और वैसे भी मिसेस धुमाल ने बताया कि उनकी गाड़ी तो रोज धुलती है, कल रात को भी धुली थी। रात में भी धुली थी? मतलब सर ये पान के धब्बे उन चोरों में से एक के हैं जिन्होंने कार चुराई है। यानी ये वो वाला है जिसने कार चुराई थी, और दूसरा वाला 2 नंबर वो कहीं दूसरी जगह खड़ा था कार के इंतजार में, बीड़ी पी रहा था। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि ये दूसरा वाला पान भी खाता हो और बीड़ी भी पीता हो। नहीं, शायद नहीं, क्योंकि जहां से हमें कार मिली वहां कहीं भी पान की पीक नहीं पड़ी थी,
और मिसेस धुमाल के कार में ड्राइवर सीट के नीचे हमें वैसी बीड़ी के टुकड़े मिले। पान के डब्बे ड्राइवर सीट के इस तरफ थे, पैसेंजर साइड के कांच पर। मतलब दो लोग हैं, एक पान चबाने वाला और दूसरा बीड़ी पीने वाला। हाँ अभिजीत, ये देखिए, व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। पान के था? यस सर, ये देखिए। हाँ ये तो वाकई कोइंसिडेंस है, पान के दाग गाड़ी के इस तरफ, ड्राइवर सीट के पीछे। कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग एक काम करो, गाड़ी को अच्छी तरह से वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लो, और अगली सीट और पीछे वाली सीट के नीचे जो कुछ भी मिलेगा उसे अलग अलग थैलियों में बंद करके डॉक्टर सारुंके के पास भेज दो लैब में। एसीपी साहब, कार की आगे की सीटों के ऊपर और सीटों के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे पान का कुछ भी लेना देना हो, लेकिन ड्राइवर की पीछे की सीट के नीचे ये मिला है। एक छोटा सा नन्ना सा टुकड़ा। क्या है ये? ये सुपारी का एक टुकड़ा है, गीली सुपारी, जो शायद पान से आई होगी। इसका मतलब जीवन के कार से जो पान के धब्बे मिले थे वो कार के अंदर से आए हैं। दूसरी गाड़ी में, धुमाल की गाड़ी में, पान खाने वाला ड्राइवर के बाजू वाले सीट में आगे फ्रंट सीट पर बैठा था, और इस गाड़ी में पान खाने वाला पीछे बैठा था। पीछे आया कैसे? कैसे पीछे आया? गड़बड़ है, गड़बड़ है। देखो भाई, रवि और जीवन, हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो तुम्हारे साथ बैंक के पास में हुआ था। जीवन, मान लो तुम बैंक के बाहर भसीन रोड पर फोन करके अपने कार में बैठ रहे हो। ये इंस्पेक्टर दया है, ये वो गुंडा हाईजेकर है, ठीक? अब तुम हमें ये बताओ कि एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी में बैठ गया। ठीक है, फिर? फिर उस आदमी ने इधर पैसेंजर सीट पे नॉक किया। तो मैंने दरवाजा खोला, वो आदमी आके अंदर बैठ गया। फिर उसने बंदूक मेरे पेट पे लगा दी, उसने कहा गाड़ी चलाओ। फिर मैंने वैसा ही किया। अच्छा, मतलब वो हाईजेकर कार से कहीं उतरा नहीं? नहीं नहीं, यानी वो पीछे बैठा ही नहीं? नहीं, पीछे कभी नहीं बैठा। तो फिर अगर वो आगे ही बैठा था तो फिर ये पान के पीक के निशान यहाँ गाड़ी के पीछे के तरफ कैसे आए? और वो सुपारी का टुकड़ा वो पीछे के सीट पर कैसे आया? हो ना हो, जरूर एक बार तो वो हाईजैकर पीछे के सीट पर बैठा था। क्यों भी? यस। नहीं नहीं, वो पीछे तो कभी भी नहीं बैठा, यहीं पे बैठा था आगे मेरे बगल में। नहीं, हाईजैकर तुम्हारे पीछे ही बैठा था क्योंकि तुमने उसे पीछे बिठाया था। तुम्हारी कार हाईजैक हुई नहीं क्योंकि हाईजैकर तुम्हारा साथी था। ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम्हारा। आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आगे ही बैठा था। आप कभी कहते हैं आगे बैठा था, पीछे बैठा था, मुझे मालूम है वो आगे बैठा होता। आप लोगों से केस वेस तो सॉल्व होता नहीं, इधर उधर की बकवास करते। मैं बताता हूँ क्या हुआ। तुम्हें लूटने वाला, तुम्हारा अपहरण करने वाला तुम्हारा ही साथी था। वो तुम्हारी गाड़ी में पीछे वाले सीट पे बैठकर तुम्हारे ही साथ बैंक में गया था। तुमने उसे बैंक के पास कहीं उतार दिया और फिर तुम पैसे निकालने के लिए चले गए। और जब तुम पैसा ले आया तो तुमने उसे फिर से अपने कार में बिठा लिया। फिर वहां से तुम सीधे मंगलदास रोड पहुंचे जहां तुम्हारा दूसरा साथी मिसेस धुमाल की चुराई हुई कार के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उन्होंने तुम्हें हल्का सा क्लोरोफॉर्म दे दिया ताकि देखने वालों को लगे कि तुम्हें वाकई लूटा गया है। तुमने अपने भाई के पैसे चुराए, अपने सगे भाई के। सर, जीवन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। दिखने में तो ये भोला वाला है लेकिन बहुत बड़ा जुआरी है सर। सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। अच्छा, कौन थे तुम्हारे साथी, बोल। सर, एक आदमी ने
मंगल नाम के गुंडे को मेरे पीछे लगा दिया था साहब वसूली करने के लिए, और उसने कहा कि अगर मैंने उसे की रकम वापस नहीं दी तो मुझे चैन से मार देगा साहब। इसीलिए मैंने मंगल के साथ मिलके ये प्लान बनाया था साहब। मैंने मंगल को 50,000 रुपए देने का भी वादा किया था साहब। तो मंगल था, और वो दूसरा कौन था? मैं नहीं जानता साहब, मंगल ही उसको अपने साथ लेके आया था। तो मंगल को कांटेक्ट करो, उससे कहो और एक काम है, और ये भी कहो कि अपने साथी को वो साथ लेकर आए। क्या हो गया, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी तूने? यार मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा मंगल, जीवन ने अपने को 4 बजे इधर बुलाया था ना, तो 1 घंटा पहले काहे को आ गया, और वो भी यहाँ रुक गया, उसने मिलने के लिए तो हमें वहां बुलाया था। विलास चुप हो जा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो पुलिस है विलास। विलास पुलिस यहाँ कैसे पहुंची? मैंने तुझसे क्या कहा था विलास, कमीना जीवन पुलिस वालों को लेके आया, अपनी जान बचाने के लिए हमारी बलि चढ़ाने को सोच रहा है। मिल गया ना साला उसकी तो मैं कुछ नहीं होगा, देख लेंगे। चल विलास निकल। सर वो देखिए, वो रहे, वो जा रहे हैं सर। ये जा रहे हैं फास्ट, जल्दी जल्दी। सुमित्री रुको, खून लगता है, गोली लगी है। कुछ नहीं होगा तुझे विलास, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, चल बैठ जा। ए पीछे चलते गए, पीछे चल, किसी ने आवाज की तो सामने, किसी ने चालाकी दिखाई तो कोई अपनी जगह चलेगा नहीं, समझे, कोई अपनी जगह चलेगा नहीं। विलास घबरा मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ,
हिम्मत रख, हिम्मत रख, कोई और नहीं करेगा। विलास, पुलिस वाले अभी तक पीछा कर रहे हैं यार, यहां तक पहुंचा है विलास। ए, क्या बोल तुम लोगों को, मैं पीछे पीछे। ए शाणे, इधर आ, तेरे से बात कर रहा हूं, इधर आ, तो इधर क्या रे, होशियारी दिखाएगा ना, सारा खोपड़ी बना देगा तेरी, समझा, चल जा किसी कोने के साथ, जाके चिपक जा, चल। ए, कोई हिलेगा नहीं, समझे, कोई होशियारी नहीं। हाँ विलास, क्या पानी, 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 सारा पानी नहीं है। ए, पानी ले क्या, पानी ले क्या, जल्दी आ रहे, आ रहे, जल्दी ना, चल भाग, चल भाग, पीजे, चल पानी पी, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, पकड़ पकड़ पानी पी, मैं देखता हूँ साले मनुष्य पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। मैं से बातों मिल जाता हूँ। फेडरिक्स सर, जरा देखो अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या। यस सर, टेक केयर सर। मंगल, बचने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर आ जाओ और अपने आप को हमारे हवाले कर। विलास, विलास, ए कोई नहीं करे, विलास, विलास, भगवान के लिए मुझे बचा ले, विलास, बचाओ, कुछ नहीं होगा विलास, मैं हूं ना तेरे साथ, मुझे भरोसा रख विलास, प्लीज विलास, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं आते निकलने का। रास्ता नहीं है, बस यही दरवाजा है। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं, कुछ विलास, विलास कुछ नहीं होगा यार, मामूली सी। विलास कुछ नहीं होगा तुझे यार, कुछ नहीं, रुक, मैं कार का इंतजाम करता हूँ, रुक। कोई लगा नहीं, कोई होशियारी नहीं विलास, कुछ नहीं होगा विलास। सर वो सामने खड़ा है और पीछे से कोई एंट्री नहीं है, बस यही एक रास्ता है। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन, जल्दी से जल्दी मुझे गाड़ी चाहिए और गाड़ी की पेट्रोल की टैंकी बिल्कुल फुल होनी चाहिए, समझा। ए, ये सौदेबाजी बंद करो, बाहर निकलो, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी, समझे, अपने हाथ ऊपर करो और चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, अपने हाथ ऊपर कर लूं, ये ले इंस्पेक्टर, सटी आ गया इंस्पेक्टर, सटी आ गया, तू कहते हैं हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, पागल हो गया क्या इंस्पेक्टर, और गाड़ी नहीं दी ना, और हमें यहां से निकलने नहीं दिया तो एक एक गिलास मिसा दूंगा। गिलास तो डर मत, कुछ नहीं होगा। ए, कितने लोग है तुम लोग, कितने लोग हैं, गिन, कितने लोग हैं, गिन, चल फटाफट गिन कितने लोग हैं, गिनना शुरू कर, चल गिन कितने लोग हैं, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, छह, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, दस, दस, ग्यारह, ग्यारह, बारह, बारह, तेरह, तेरह, मैं चौदह, चौदह, 14 गोली, एक एक गोली एक एक आदमी के लिए, और ये बाकी गोली उन पुलिस वालों के लिए। और अब दिवेश्वर मिल के कंपाउंड में हो रहे पुलिस ऑपरेशन के बारे में कुछ और सूचना। जैसे कि आप जानते हैं कि मिल के कैंटीन में दो गुंडों को पुलिस ने घेर लिया था, इनमें से एक आदमी पुलिस की फायरिंग में जख्मी हो गया था। इसके पहले इन गुंडों ने सड़क पर पुलिस पर गोली चलाई थी। इन गुंडों ने करीब 14 लोगों को कैंटीन में बंधक बनाया हुआ है और उन्हें छोड़ने के बदले में ये गुंडे पुलिस से एक कार की मांग कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी प्रकार का हल नहीं ढूंढा जा सका है।
अभिजीत सर, क्या सिचुएशन है? कितने लोग अंदर है, कुछ कंफर्म हुआ है? करीब 16-17 लोग हैं सर। अंदर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अच्छा, अभी तक काफी फायरिंग हो चुकी है सर। थका नहीं है अभी तक? नहीं सर, बातचीत सुनने को राजी नहीं है, कार मांग रहा है टैंक फुल कर करके। ओ, फिर से ट्राई करो, मैं पीछे हटता हूँ। मंगल देखो, बहुत बातचीत हो चुकी है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अपने आप को हमारे वाले कर दो। तुम लोगों को एक ही बात समझ में आती है? मजाक मत समझ इंस्पेक्टर, सबको मार डालूंगा। अगर तुमने किसी को भी जरा सा नुकसान पहुंचाया तो तुम यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे, समझे? चुपचाप बाहर आ जाओ। अभी तक तो मैंने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हर 10 मिनट में मैं यहां एक ग्लास गिरा दूंगा, समझे? मंगल का रिकॉर्ड मिल गया सर। अच्छा, बहुत ही खराब है, 2 बार खून करने की कोशिश में जेल भी जा चुका है सर। ये रही उसकी फोटो। 2 बार खून करने की कोशिश कर चुका है, इस बार हकीकत में कर सकते हैं सर। सर एक और काम की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। क्या? जब मैं अपने रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी तो जीवन ने मंगल के साथियों में से इसे पहचान लिया। अरे ये तो वही आदमी जो मंगल के साथ था, अंदर है सर, उसे ही गोली लगी है। सर ये मंगल का दोस्त वोस्त नहीं है। तो फिर? ये मंगल का छोटा भाई है विलास। ओ, अच्छा, छोटा भाई, मंगल का छोटा भाई है? अच्छा। दया, उससे कहो कि उसकी सब शर्तें मंजूर है। लेकिन सर, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करो। अभिजीत, उससे कहो सब शर्तें मंजूर है। और दया, विलास कुछ नहीं होगा। मंगल जाने, मंगल बहुत दूरी है। नहीं मरेगा तू विलास, विलास कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखना। विलास, विलास सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट में हम निकलेंगे यहाँ से। विलास कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। हाँ विलास, जहाँ तू बोलेगा वहाँ जाएंगे। इंस्पेक्टर, 10 मिनट होने वाले हैं इंस्पेक्टर, मैं पहले आदमी को मारने जा रहा हूं। हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, तुम्हें कार मिल जाएगी, पर उसके लिए करीब आधा घंटा लगेगा, और तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, समझे? कोई बात नहीं। विराज, विलास तूने सुना? विलास तूने सुना? हमें कार मिल रही है विलास। मगर उसके पहले तुम अपने साथी का इलाज करवा लो। देखो उसे गोली लगी हुई है, काफी खून बह गया, उसे कुछ भी हो सकता है। विलास, देखो यहाँ पर एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर अंदर भेज देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पागल हो गया मैं? किसी को अंदर नहीं आने दूंगा मैं, किसी डॉक्टर को अंदर नहीं आने दूंगा, पागल नहीं हो गया मैं? सोच लो, अगर वो मर गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगे। मैं नहीं जानता उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन अगर तुमने मदद नहीं ली तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी मंगल। कुछ नहीं होगा विलास। देखो भाई, ये बेचारा मर जाएगा, आप इंस्पेक्टर की बात क्यों नहीं मान लेते हो? अपनी बात बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, मैं तुम सबको मार डालूंगा, समझा? नहीं 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 नहीं, चल पीछे पीछे। विलास, विलास कुछ, विलास।
इंस्पेक्टर मुझे मंजूर है तो डॉक्टर को अंदर भेज सकता है, लेकिन डॉक्टर के अंदर आने से पहले मैं उसकी तलाशी लूंगा। डॉक्टर साहब जी, आप अकेले गोली निकालेंगे ना जी? क्योंकि मैं आपका असिस्टेंट बन के आ रहा हूं, किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ अभिजीत और दया को देखा है, मुझे नहीं देखा, इसलिए वो मुझे आपका असिस्टेंट जरूर मानेंगे। लेकिन कुछ होगा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन मैंने तो सुना है बहुत सी गोलियां चल रही। हाँ लेकिन मैं भी तो आपके साथ हूँ, डोंट वरी। और अभिजीत, मैं मोबाइल ऑन करके जा रहा हूँ, मेरे सिग्नल का इंतजार करना। आइए डॉक्टर साहब, घबराइए। मंगल, डॉक्टर्स दरवाजे पे पहुंच चुके हैं, दरवाजा खोल दो। कोई होशियार नहीं? अंदर, ये बाजू। डॉक्टर दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। वहीं पे रहो, वहीं पे रहो। कोई होशियार नहीं, ठीक है, चलो इधर बाजू। रुको, बैग में क्या है? दवाइयां। दिखाओ, चलो, ठीक है, चलो। रुको रुको रुको, कोई चालाकी नहीं है डॉक्टर, ठीक है, चलो। डॉक्टर मेरा भाई है वो, डॉक्टर गोली लगी है उसे, बचा लो आप प्लीज। डोंट वरी, मैं कर रहा हूँ भाई, बहुत दर्द में है डॉक्टर। जस्ट वेट, कुछ नहीं होगा विलास, विलास डॉक्टर आ गए, कुछ नहीं होगा, बस। जंगल हमारा बहुत बड़ा घर होगा, कुछ नहीं होगा विलास। ये इतने सारे लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? पीछे हटाओ, हटाओ जल्दी। ए क्या रे, पीछे जाओ, पीछे पीछे। हाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ, जाओ पीछे। ए, जाओ, 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 जाओ। इसे काटो, मेरा भाई मर रहा है डॉक्टर, इसे काटो जल्दी से, बचाओ उसे डॉक्टर। डोंट वरी, डोंट वरी, हम कर रहे हैं डॉक्टर, हम कर रहे हैं भाई, हमें काम करने दो। काटो जल्दी, काटो, बचाओ उसे डॉक्टर। डोंट वरी, डोंट वरी, हम कर रहे हैं डॉक्टर, हम कर रहे हैं भाई, हमें काम करने दो। सुधाकर सर, तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस सर, सिग्नल मिलने पर मेन स्विच ऑफ करना है। बस अब एसीपी साहब का सिग्नल आना बाकी है। अब इसकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? हाँ फिक्र मत करो, ठीक हो, जल्दी ठीक हो जाएगा ना। हाँ हाँ। ए इंस्पेक्टर, गाड़ी तैयार रख, मैं बाहर इंतजार नहीं करूंगा। ए क्या बोला मैं तुम लोगों को? क्या बोला? पीछे सारा गोली चला देगा। पीछे सुधाकर, लाइट बंद कर दो। अभिजीत फायर मत करो, मैंने सब पकड़ लिए। हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ही उसके ऊपर मैं झपट गया तो उसने दो गोलियां फायर की, मुझे तो गोली नहीं लगी, बाल बाल बच गया मैं। अच्छा किसी को गोली बोली तो नहीं लगी? नहीं सर। सब ठीक ठाक है? हाँ सर, सब। टीयर गैस से आंखें बहुत जल रही है। सुधाकर को बोलो लाइट ऑन करने को। सर लाइट तो ऑन है सर। मजाक मत करो अभिजीत, जल्दी लाइट लगाओ। नहीं सर, हम मजाक नहीं कर रहे, वाकई सारी लाइट ऑन है सर। सर मैंने आपके आंखों के ऊपर टॉर्च डाल रखा है सर, सर आपके आसपास कुछ जला हुआ है आंख के।
लाइट ऑन है? हाँ सर, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अभी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.